बहू से मेरी बोला कि मेरी बाय प्रेग्नेंट है, मैं अस्पताल भर्ती करा के आया हूँ, मेरा दिमाग परेशान है, दिमाग सही नहीं है, 2-3 घंटे का टाइम दिया, पैसों की कुछ कमी है। तो हमारी बहू ने बेटा को फोन किया, बोले कि ये पैसे मांग रहा है, तो बेटा बोला दे दो, 5,000 रुपए दिए। फिर बोला कि हम ऊपर चले जाएं, मैं चले जाओ, हम चाय बना के ला रहे हैं। बड़े को ले गया, वो तो कहता भैया भैया क्या आज बाल काट, तो भैया भैया 20 वाले से हम आपको मंगाई, 1 से पानी मंगाया, पहले दोनों काटे, बीच वाला घबरा के भागे, उसके हाथ में मारी चोट, हाथ में लगी चोट उसके, और बोला अम्मा देखो तो क्या हुआ, अम्मा देखो तो मम्मी ऊपर नहीं जाना। जब मम्मी ऊपर से आई नीचे, अम्मी बोली अरे हम जल्दी भागो बाहर, जल्दी भागो बाहर, तो मैं बाहर भाग के गई। जब मैंने देखा, देखा यहाँ छुरी जे खड़ी, छुरी लेके खड़ा था भाई, मैंने बाहर गेट बंद करवा दिया। फिर मैंने मोहल्ला वालों को बुलाया, सब आए मोहल्ला वाले, पुलिस वाले, पुलिस आई, पुलिस वाले आए, फिर वही पकड़ के उसको ले गए। कितने लड़के आए थे ये? कितने लड़के आए थे? कौन मारने के लिए? कितने लड़के आए थे? दो थे। दोनों घर में आए थे? दोनों ही आए थे, एक बाहर नीचे खड़ा रहा, एक ऊपर गया था। जो ऊपर गया था उसका क्या नाम है जानते आप? पहले देखा है उनको? मैंने खास नहीं देखा, हमारी बहू जानती है, क्यों हमारे कोई मतलब तो रहता नहीं है। मैं तो ड्यूटी करती हूँ गार्ड में, सुबह को चली जाती हूँ, शाम को मैं किसी घर जाती नहीं, इन्हीं से जो दुकान चला तो बाल उसी से कटवाते थे बच्चे लोग हमारे, बाबा कॉलोनी के जितने जो लोग हैं बच्चे उसी से कटवाते थे। तो वो यही थी कि ये भैया भैया कहते, अरे भैया मेरा नंबर लगाओ, वो कहते भैया मेरा नंबर लगाओ, तो भैया के चक्कर में वो चला गया दोनों बच्चे मेरे। 5,000 की मदद भी की, चाय बनी रखी, तभी मेरे बच्चे ना छोड़े। आप कह रहे दुश्मनी की, मेरी दुश्मनी किसी से भी ना थी। यही बोला भाभी मुझे पैसों की जरूरत है, 3 ग्लेचर लिए और पैसे 5,000 रुपए की हमने हस्बैंड से पूछा, बोले दे दो, मैंने दे दिए। फिर खड़ा रहा, बोले मेरी बहू की डिलीवरी 11 बजे का टाइम दिया, ये खड़ा रहा यहाँ पे, आइस को बुला के बोला पार्लर देखेंगे, उसी के बहाने बुला के छत पे ले गया, छोटे वाले से कह दिया कि पानी ले आ जाएगी, तब तक उसने बड़े को मार दिया, छोटे वाले ने देखा तो उसका भी मर्डर कर दिया, वही मेरे दोनों को मार दिया, पीयूष और आयुष और अन्नी को मार दिया, मेरे दोनों करे दोनों मार दिया। और हम लोग बुला रहा कि तुम भी लोग आ जाओ अंदर, हमने उन्होंने गेट बंद कर दिया, मेरा छोटा वाला बड़ा बीच वाला वो भी भाग के आया, नीचे जाके तेरे उसे भी मार देता वो। हमने बहुत बेरहमी से हमारे बच्चों को मारा, चाकू था इतना बड़ा, नुकेला था, चाकू था, बहुत धार सफेद का था, स्टील जैसा दिख रहा था। क्या नाम था उसका? जावेद। और उसका क्या नाम जिसने मारा? अंदर साजिद आया था या जावेद आया था? साजिद आया था, जावेद तो वो गाड़ी पे इंतजार कर रहा था, वो भी यही था। और साजिद अंदर आया था? जब हमने गेट बंद कर दिया तभी वो भाग गया, ये पड़ गया मेरे उसमें, तो ये पुलिस वालों को बुला के मैंने इसे पकड़।